गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। काबल से सिख ने घोड़ा लेकर आना। काबल के एक श्रद्धालु सिख ने अपनी कमाई में से 10वंट इकट्ठा करके गुरु जी के लिए 1,00,000 रुपए का एक घोड़ा इराक के सौदागर से खरीद लिया। और काबल कंधार की संगत के साथ जब यह सिख घोड़ा लेकर अटक दरिया से पार हुआ, तो शाहजहाँ के एक उमराव ने, जो शाहजहाँ के लिए अच्छे घोड़े खरीद करता था, उसने कहा, यह घोड़ा बादशाह शाहजहाँ के लिए ही बना है, तुम इसकी कीमत ले लो। परंतु सिख ने कहा, यह घोड़ा मैंने तो गुरुजी के निमित्त खरीद कर उनकी भेंट करने जा रहा हूँ, इसको किसी के पास बेच नहीं सकता। परंतु शाहजहाँ ने घोड़े के गुण सुनकर अपने सिपाही भेजकर सिख से घोड़ा जबरदस्ती लेकर तबेले में बांध लिया। यह बात जब सिखों ने गुरुजी के पास जाकर बड़े दुख से बताई, तो आपजी ने कहा, गुरु के सिखा, तुम चिंता न करो, तुम्हारी भेंट हमें स्वीकार हो गई है, घोड़ा हमारे पास जल्दी आ जाएगा। धन गुरु नानक। घोड़े का बीमार होना और बादशाह ने काजी को देना। घोड़े को देखकर शाहजहाँ बहुत खुश हुआ और उसकी सेवा और देखभाल के लिए सेवादार नियत कर दिए। परंतु घोड़ा थोड़े दिनों में बीमार हो गया और उसने चारा खाना और पानी पीना छोड़ दिया। एक पाँव जमीन से उठा लिया और लंगड़ा होकर चलने लगा। तब शाहजहाँ के सलोत्री ने घोड़े को देखकर सलाह दी कि इस घोड़े को जल्दी इस तबेले से निकाल देना चाहिए, नहीं तो इसकी मुंह खुर की छूत वाली बीमारी से दूसरे घोड़े के बीमार हो जाने का डर है। बादशाह ने घोड़े के इलाज करने के लिए सलोत्री की सलाह मानकर यह घोड़ा अपने काजी रुस्तम खां को दे दिया। घोड़ा लेकर काजी बहुत खुश हुआ और उसका इलाज करने लगा। एक दिन भाई सुजान ने, जो यह घोड़ा काबल से लाया थे, गुरुजी को बताया कि महाराज, अब वह घोड़ा मैंने काजी के पास देखा है और कुछ बीमार भी लगता है। तब गुरुजी ने काजी को बुलाकर सारी बात उससे पूछकर कहा कि अगर तुम इसको बेचना चाहो तो हमसे इसका 10,000 रुपए ले लो, हम इलाज करके इसे स्वस्थ कर लेंगे। काजी ने घोड़े का मूल्य 10,000 मानकर घोड़ा गुरुजी को दे दिया। धन गुरु नानक। गुरुजी ने घोड़े का इलाज अपने सलोत्री से करवाया, जिससे घोड़ा स्वस्थ होकर घास दाना भी खाने लगा और लंगड़ी टांग भी जमीन पर लगा ली। भाई सुजान को अपना घोड़ा स्वस्थ देखकर बहुत खुशी हुई। गुरुजी ने उस पर सुनहरी पालना डलवा कर जब सवारी की, तो भाई सुजान ने कहा, गुरुजी, अब मेरा मनोरथ पूरा हो गया है, आप जी ने मेरी भावना पूरी कर दी है। गुरुजी बोले, भाई सुजान, तुम निहाल हो गए हो, तेरा प्रेम और श्रद्धा धन्य है। इस तरह भाई सुजान अपनी मनोकामना पूरी करके अपने देश काबल चला गया। धन गुरु नानक। काजी ने घोड़े का मूल्य मांगना। कुछ समय के उपरांत काजी को पता चला कि घोड़ा स्वस्थ हो गया है, तो उसने एक दिन गुरुजी से अपने घोड़े का मूल्य मांगा। गुरुजी ने कहा, हमें तुझे अमृतसर जाकर पैसे देंगे। काजी ने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो मेरा घोड़ा वापस कर दो। कुछ दिन ठहर कर जब फिर काजी पैसे लेने आया, तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि गुरुजी इस समय विश्राम कर रहे हैं, अपने फिर किसी दिन आना,
काजी ने कहा, गुरु घर के तुम ही कार्यकर्ता हो, मैं तुझसे पैसे लेकर ही जाऊंगा। अगर नहीं दोगे तो मैं शाहजहाँ से बात करके तेरा दामाद बनाकर तुझसे पैसे ले लूँगा। तब भाई बुड्ढा जी ने कहा, अगर गुरु जी ही तुम्हारे दामाद बन जाएंगे तो फिर तुम उनसे पैसे किस तरह लोगे। धन गुरु नानक। बाद में भाई बुड्ढा जी की बात सुनकर गुरु जी ने कहा कि बाबा जी, आपने हमें काजी का दामाद बनाना कहकर श्राप क्यों दे दिया है। बुड्ढा जी ने कहा कि महाराज, मेरे वश में कुछ नहीं है, जैसे आपने कहलाया वैसे ही मैंने कह दिया। धन गुरु नानक। गुरु जी का साईं मियां मीर जी को मिलना। एक दिन जब गुरु जी अपने कुछ सिक्कों के साथ साईं मियां मीर जी के डेरे से निकलने लगे तो साईं जी ने गुरु जी को बड़े सत्कार से अपने डेरे ले जाकर अपने आसन पर बैठाया और उन्हें अल्लाह का नूर कहा। जब गुरु जी कुछ समय बैठ कर चलने लगे तो मियां मीर जी ने फिर सिजदा करके आप जी को विदा किया। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।